आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथ के आयु संबंधी कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसे हम शॉर्टकट विधि से किस प्रकार से हल करेंगे उसको देखने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको बनाना एक तरह से काफ़ी हार्ड होता है, तो इसमें हम शॉर्ट विधि से जानेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की आयु का योग 60 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो बी की आयु कितनी होगी। इस तरह के प्रश्न को हम जब भी बनाएंगे तो हमें देखना है कि यहाँ पे योग दिया हुआ है या फिर अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ योग दिया हुआ है तो पहले जो अनुपात होगा उनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ 2 अनुपात दिया हुआ है, 3 योग है, तो इन अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, योग जो देगा उस योग में क्या करेंगे, इस 5 से भाग करेंगे, तो योग दिया हुआ है 60, उसको हम इस 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। अब क्या होगा, जिसका आयु पूछेगा उसके अनुपात में यहाँ पे जो निकाल करके आएगा उससे हम गुना कर देंगे, तो यहाँ बी का आयु पूछ रहा है तो बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 × 12 करेंगे तो आ जाएगा 36 वर्ष। तो इस तरह से हम काफ़ी क्या करेंगे, काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई की आयु का अनुपात 1:2 है, उनके आयु का अंतर 8 वर्ष हो तो दोनों की आयु बताएं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो अनुपात होगा उसका अंतर हम निकालेंगे, तो यहाँ अनुपात है 1:2 का, अंतर इसका निकालेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। उसी प्रकार से जैसे उसमें क्या किए थे, भाग किए थे, तो इसमें भी भाग करना है, तो अंतर 8 दिया हुआ है, 8 को हम भाग करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद जिसका आयु निकालने के लिए बोलेगा उसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों की आयु पूछ रहा है, तो x का जब निकालेंगे तो x का अनुपात 1 है और y का निकालेंगे तो y का अनुपात 2 है। अब यहाँ भाग दे करके जो आएगा उससे गुना कर देंगे दोनों में, तो 1 में गुना करेंगे 8 से तो x का आयु आ जाएगा 8 वर्ष, और b में गुना करेंगे y में गुना करेंगे 8 से तो y का आयु आ जाएगा 16 वर्ष। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को हम बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम श्याम तथा मोहन की आयु का अनुपात 2:3:5 है, उनके आयु का योग 120 वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी होगी। यहाँ राम श्याम तथा मोहन का आयु का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है योग, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है, जो भी अनुपात होगा उसको जोड़ लेना है, तो 2:3:5 इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर जो आएगा वह आ जाएगा 5 × 3 = 8 और 2 = 10 आएगा। अब इस अनुपात से योग में हम भाग करेंगे, तो योग दिया हुआ है 120, इसमें हम भाग करेंगे 10 से तो आ जाएगा 12। उसी प्रकार से यहाँ श्याम की आयु पूछ रहा है, तो श्याम का जो अनुपात है वह बीच में है, तो श्याम का अनुपात हो जाएगा 3, तो श्याम की आयु निकालेंगे तो श्याम का आयु जो हो जाएगा वह अनुपात इसका 3 है और यहाँ 12 आया है, तो 12 × 36 वर्ष। इस प्रकार से ये प्रश्न बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप अपने दूसरे मित्रों के पास भी इसे जरूर शेयर करें। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया हुआ रोहन तथा सोहन की आयु का अनुपात 4:5 है, उनके आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अनुपात 4:5 का और योग दिया हुआ है 45 वर्ष, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालते हैं दोनों का, तो वर्तमान आयु जब निकालेंगे तो अनुपात दिया हुआ है 4:5 का, इसका दिया हुआ योग, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। फिर उसके बाद
आयु इसका निकालेंगे, दोनों का निकालना है। उसके बाद यहाँ पे 9 आया, फिर योग में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जोड़ कराएगा उससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष। उसके बाद आयु निकालेंगे दोनों का, तो यहाँ रोहन का आयु जब निकालेंगे तो रोहन का अनुपात दिया हुआ है 4, और फिर सोहन का निकालेंगे तो यहाँ सोहन का अनुपात दिया हुआ है 5। उसमें क्या करेंगे, दोनों में हम 5 से गुना करेंगे, तो दोनों में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात बोल रहा है, तो यहाँ 5 वर्ष बाद जब आयु निकालेंगे तो रोहन का 20 है तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो यह 25 हो जाएगा, और फिर सोहन का 25 है तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो यह 30 हो जाएगा। अब अनुपात जब निकालेंगे तो दोनों के क्या करेंगे, बटा में बैठा देंगे, तो 25/30 ये कट जाएगा 5 से 5 मरतबे, ये कटेगा 6 मरतबे, तो 5:6 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 80 वर्ष है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पिता की आयु कितनी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है आयु का योग दे दिया है, और उसके बाद बोल रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी किसकी आयु है, पिता की आयु है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हम मान लेते हैं 1 हो जाएगा, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1:3 आ गया, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे, 1:3 इसको हम जोड़ लेंगे, योग दिया हुआ है तो जोड़ लेंगे, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार योग में हम भाग करेंगे अनुपात से, तो 20 में 80 को भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब उसके बाद पिता की आयु जब निकालेंगे, तो पिता की आयु और उसके बाद तो यहाँ पिता के आयु का अनुपात दिया हुआ है 3, तो 3 को हम गुना करेंगे 20 से, तो पिता की आयु आ जाएगा 20 या 60 वर्ष। उसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 30 वर्ष, और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु बराबर दिया हुआ है 30 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, तो 5 5 वर्ष बाद अगर दोनों में जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हम 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे, 5 वर्ष बाद की आयु का योग जब हम करेंगे तो दोनों की आयु दिया हुआ है 30 वर्ष, और अगर 5 वर्ष बाद देखेंगे तो ए में भी 5 बढ़ेगा और बी में भी 5 बढ़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 यहाँ बढ़ा 5 यहाँ बढ़ा, तो 10 बढ़ गया, तो इसीलिए हम 30 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद जो आयु आएगा दोनों का उसका योग आ जाएगा 40 वर्ष। उसी प्रकार से अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का योग यहाँ दिया हुआ है तो इस योग को जोड़ लेंगे, तो योग को जोड़ेंगे तो 3 और 2 का जो योग आ जाएगा वह आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे 5 वर्ष बाद जो हमारा आयु का योग निकला है वह निकला है 40, तो इस 40 में हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 मरतबे कटेगा। अब ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद का आयु हमारा इससे निकल जाएगा, तो ए की 5 वर्ष बाद की आयु बराबर हो जाएगा, ए का अनुपात दिया हुआ है 3 का, तो इसका हो जाएगा 3×8 बराबर 24 वर्ष। अब उसके बाद क्या करना है, वर्तमान आयु बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह हम निकाले 5 वर्ष बाद का आयु, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम उसमें से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो 24 में से हम घटाएंगे 5, इसीलिए आ जाएगा 19 वर्ष। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आसानी से
इन सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। इसी प्रकार के और भी वीडियोज को आप अगर अपने चैनल पर अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।